नमस्कार, मैं नितिन माथुर, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर। आई हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कंट्रोल फ्लो, जिसमें डिस्कस करेंगे स्विच एंड केस, कैसे हम स्विच और केस को यूज़ कर सकते हैं विद रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एंड एल्स। उसके बाद देखेंगे कि कैसे स्विच और केस के साथ हम मेनू ड्रिवन प्रोग्राम भी बना सकते हैं, राइट। काफ़ी अच्छा कंट्रोल फंक्शन है, कंट्रोल फ्लो फंक्शन है, जिससे हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को चेंज कर सकते हैं। और स्पेशली ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है। मेनू ड्रिवन का मतलब ये है कि जैसे आप कुछ भी आपके सामने मल्टीपल मेनूज़ आते हैं, एक मेनू आए जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उस कंडीशन में जब आप ऐसे चीज़ आपको जब डिज़ाइन करना है, तब आप स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं स्विच और केस की ज़रूरत क्यों है। तो स्विच स्टेटमेंट सी इज़ अल्टरनेटिव टू इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट विच अलाउ अस टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशन फॉर द डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ सिंगल वेरिएबल कॉल्ड स्विच वेरिएबल, राइट। तो ये रिप्लेसमेंट है इफ एल्स इफ लैडर का, जिसमें आप उसकी जगह आप स्विच केस को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल के कई सारे मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। जब उन वैल्यूज़ में से कोई मैच हो जाती हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, वो आप स्विच और केस से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, हेयर वी कैन डिफाइन वेरियस स्टेटमेंट इन द मल्टीपल केसेस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। बहुत अच्छी लाइन है ये, हेयर वी कैन डिफाइन वेरियस स्टेटमेंट्स इन द मल्टीपल केसेस। हम कई सारे स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं मल्टीपल केसेस के अंदर, जहाँ की एक सिंगल वेरिएबल की कई सारी वैल्यूज़ होंगी। ओके, व्हेन वी कंपेयर इट टू द जनरल इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड। अगर हम देखें, हमारे घर में एक स्विच बोर्ड होता है, यू हैव मैनी स्विचेज इन द स्विच बोर्ड, आपके उसमें कई सारे स्विच होते हैं, बट यू विल ओनली सेलेक्ट द रिक्वायर्ड स्विच, जिस स्विच की आपको ज़रूरत है आप उसी को प्रेस करते हैं। सिमिलरली द स्विच केस अलाउ अस टू सेट द नेसेसरी स्टेटमेंट फॉर द यूज़र। उसके अलावा स्विच जो केस है, वो आपके यूज़र को ये अलाउ करता है, जिससे आप उसके अंदर कुछ फिक्स स्टेटमेंट दे सकते हैं, राइट। तो अगर अगर हम इसको ब्रॉड वे में देखें, तो स्विच और केस जो है वो इफ़ और एल्स, इफ़ एल्स इफ लैडर का रिप्लेसमेंट है, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में काम आता है, किसी एक सिंगल वेरिएबल की कई सारी वैल्यूज़ जब होती हैं, उन वैल्यूज़ के साथ कौन सा स्टेटमेंट को रन करवाना है, उसके लिए बहुत काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं। द सिंटेक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज फॉलो। स्विच के साथ एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन के अंदर का मतलब उस वो एक्सप्रेशन होगा या वेरिएबल होगा जो भी उसके अंदर होगा। देन केस कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है, केस के साथ आपको कांस्टेंट एक्सप्रेशन रखना है। कौन से एक्सप्रेशन का मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू है वो वेरी नहीं करेंगे। अभी हम मैं आगे बताऊँगा कि कौन से कुछ केसेस वैलिड हैं, कौन से इनवैलिड हैं, वो हम आगे बात करेंगे, राइट। और उस कौन से एक्सप्रेशन के ट्रू होने पे, अगर वो उस एक्सप्रेशन से मैच कर जाता है, जो स्विच में जो एक्सप्रेशन दे रखा है और केस के साथ जो कौन सा एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर दोनों तो मैच कर जाते हैं, कि वैल्यूज़ मैच कर जाती हैं, राइट, तो उसके सामने कोलन के साथ जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, राइट। तो आप ये समझें कि देखिए, इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ इफ़ एल्स इफ लैडर से। तो सबसे पहले कंडीशन लगाई इफ़ के अंदर, देन जो उसका केस मैच हो रहा है, यानी उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं मैंने वो लिखी हैं। तो स्विच के साथ जो मैंने लिखा है, स्विच के साथ वो वेरिएबल का नाम लिखा है, एक्सप्रेशन लिखा है, अब उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो मैं केस के साथ लिखूंगा। अगर वो पॉसिबल वैल्यू मैच हो जाती है, तो उसके आगे कोलन के आगे जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो स्टेटमेंट्स रन होते हैं। आप ध्यान रखें, स्टेटमेंट्स के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो है ब्रेक। वो ब्रेक इसका मतलब है कि वो उस पर्टिकुलर केस को क्या करेगा, ब्रेक कर। अगर ये फ्लो होता हुआ, अगर इस केस कॉन्स्टेंट की एक्सप्रेशन को जब ये सेटिस्फाई कर लेगा, तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूट करेगा तो वो करने के बाद इससे बाहर निकलेगा। देखो, ये कोई रिपीटिव तो है नहीं, कोई ये बिल्कुल इफ़ एल्स इफ़ की तरह ही, अगर एक कोई भी इफ़ और एल्स वाला पार्ट रन होता है, उसके रन होने के बाद ये सीधा वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इफ़ एल्स इफ़ लैडर के अंदर क्या होता है कि आपके कई सारे इफ़ एल्स जो हैं वो एक सीढ़ी की तरह होते हैं। तो कोई भी एक पार्ट रन होता है, तो वो रन होने के बाद वो पूरा उस चीज़ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ भी स्विच के अंदर कोई भी एक केस अगर वो ट्रू होता है,
उस ट्रू होने के बाद उसके साथ स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो रन करने के बाद आप उसके नीचे ब्रेक लगाएंगे, जिससे आप उस पूरे स्विच से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए समस्या ये है, अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया, अगर आपने ब्रेक कहीं भी यूज़ नहीं किया, तो वो सारे केसेस को क्या कर देगा, एक्सिक्यूट कर देगा। देखिए इसमें होता कैसे है, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले वो क्या चेक करता है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बाद केस के, अगर कई सारे केसेस होंगे, उन केसेस के साथ क्या होगी, उनकी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। उस केस तो मैंने कीवर्ड है यहाँ पे स्विच और केस और जो ये मैं ब्रेक बोल रहा हूँ ये कीवर्ड्स हैं। अब केस के साथ कौन सा एक्सप्रेशन होगा, यानी कोई वैल्यू होगी, जब वो वैल्यू मैच कर जाएगी तो उसके सामने जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो रन होंगे। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो अब हर केसेस में जो आपने स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे स्टेटमेंट को वो रन कर दे, बिकॉज आपने बंद करने को बोला नहीं, आपने बाहर जाने का ही नहीं। तो जब आप ब्रेक लगाएंगे तभी आप उस पूरे स्विच से बाहर आ पाएंगे, अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो आप स्विच से बाहर नहीं आ पाएंगे। ओके, उसके बाद एक लास्ट में डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑप्शनल है, आप आपकी इच्छा है तो लगाएं, आपकी इच्छा है तो नहीं लगाएं। ओके, तो अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो उस कंडीशन में डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट में जो आपने स्टेटमेंट लिखे हैं वो रन होते हैं। तो आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है अपने प्रोग्रामिंग में तो डिफ़ॉल्ट का यूज़ करें, अगर आपको लगता है ज़रूरत नहीं है तो उसको यूज़ ना करें। फिर कुछ रूल्स आते हैं स्विच और केस को यूज़ करने के, रूल्स इन द सेंस कि आप उसको कैसे यूज़ करें जिससे आप उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर सकें। द स्विच के एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर टाइप। जो स्विच का जो एक्सप्रेशन है, स्विच के साथ जो एक्सप्रेशन लगा रहे हैं वो या तो इंटीजर होना चाहिए या फिर कैरेक्टर होना चाहिए, यहाँ पे फ्लोट यहाँ पे काम नहीं करेगा। द केस वैल्यू मस्ट बी इंटीजर और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। जो केस वैल्यू है वो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट होनी चाहिए या इंटीजर कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, राइट। यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट विद इन अ स्विच। आप एक स्विच में कितने जितनी इच्छाएं होते हैं आप केसेस लगा सकते हैं। Each case is followed by the value to be compared to and a colon. उस हर केस के बाद आपको वो वैल्यू लिखनी है जिससे उसको कंपेयर कराना है। द कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ केस मस्ट बी द सेम डेटा टाइप एज अ वेरिएबल इन द स्विच एंड इट मस्ट बी कॉन्स्टेंट ऑन अ रिट्रल। यानी स्विच में जो आपने एक्सप्रेशन लगाया है और केस के साथ जो आप कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन लगा रहे हैं, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। डिफरेंट होगा तो आपकी एरर आएगी, आपका आउटपुट सही नहीं आएगा। कुछ और रूल्स हैं, व्हेन द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड टू इज इक्वल टू अ केस द स्टेटमेंट फॉलोड दैट केस विल बी एग्जीक्यूटेड अंटिल द ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच्ड। यहाँ पे जब आपका जब मैच हो जाता है स्विच में, जो आपने स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है और जो केस के साथ जो कौन सा एक्सप्रेशन लिखा है उसकी वैल्यू मैच हो जाती है, तो कोलन के बाद जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो रन होते हैं, कब तक, जब तक आपका ब्रेक नहीं आ जाता। मैंने ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच द स्विच टर्मिनेट। जैसे ही ब्रेक आ जाएगा आपका स्विच क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। एंड द फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप टू द नीट लाइन फॉलोइंग द स्विच स्टेटमेंट। अब जो आपका जो कंट्रोल का जो फ्लो है वो स्विच के बाहर जो नेक्स्ट लाइन है उस पर आपका टर्न हो जाएगा। नॉट एवरी केस नीड्स टू कंटेन अ ब्रेक। हर केस में ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, उसका मतलब है लास्ट वाला जो केस है उसमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं, बिकॉज लास्ट वाले के बाद तो अपने आप ही स्विच बंद हो जाएगा, स्विच की जो क्लोजिंग ब्रेसेस है वो आ जाएंगे, तो आपको लास्ट वाले केस में ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ नो ब्रेक अपीयर्स, अगर ब्रेक अपीयर नहीं होता है द फ्लो कंट्रोल विल फ्लो थ्रू द सब्सिक्वेंट केसेस अंटिल अ ब्रेक इज रीच्ड। अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट आपका केस है वो आपका मान लीजिए मैच हो जाता है, उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो वो रन हो जाएंगे, लेकिन आपने उसमें फर्स्ट वाले में ब्रेक लगाना भूल गए, तो वो सेकेंड वाले केस के जो स्टेटमेंट उनको एग्जीक्यूट करेगा। मान लीजिए आपने सेकंड वाले के बाद भी ब्रेक लगाना भूल गए तो थर्ड वाले जो केस वाले स्टेटमेंट पे आए उनको रन करेगा। अब थर्ड वाले के बाद उसको क्या ब्रेक मिला, अब वो वहाँ से बाहर आएगा। यानी जहाँ वहाँ जो ये जहाँ उसको ब्रेक मिलेगा वो वहीं से बाहर आएगा, अदरवाइज उसके नीचे जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उन सबको वो रन करता हुआ चला जाएगा। अ स्विच स्टेटमेंट कैन हैव ऑप्शनल डिफॉल्ट केस विच मस्ट अपीयर टू एट द एंड ऑफ द स्विच। The default case can be used for performing a task when none of the cases is true. No break is needed for the default case. Default case optional है, optional के उसके बाद आपको break लगाने की ज़रूरत नहीं है। And अगर default case का use ये है कि कोई भी case true नहीं होता है उस condition में, default में आपने लिखा है वो आपका run हो जाएगा। ओके, बहुत important है, rules और switch case continue करते हैं, इसमें क्या valid है क्या invalid है वो देखते हैं। कुछ देखिए, मैंने इंट एक्स वाई जेड लिखा, फिर फ्लोट ए वन ए टू लिखा है, कैरेक्टर सी वन सी टू लिखा है। अब देखिए वैलिड एक्सप्रेशंस क्या हैं,
स्विच एक्स, जब मैं स्विच एक्स लिखता हूँ तो वैलिड है, स्विच एक्स प्लस वाई प्लस लिखता हूँ ये भी वैलिड है, स्विच सी एच वन प्लस एस लिखता हूँ यानी सी एच वन का मतलब हो गया कैरेक्टर, यहाँ पे सी एच वन है वो है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर जो है उसमें अगर एक्स ऐड करना है ये भी वैलिड है, स्विच एक्स लेस देन वाई ये वैलिड है, और स्विच सिंगल कोट में एक्स जो लिखा है वो भी वैलिड है, यानी ये सारे वैलिड एक्सप्रेशन हैं। इनवैलिड क्या है, फ्लोट वैल्यू कभी भी नहीं आएगी स्विच एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे इनवैलिड में एक्स एक्स प्लस 12.2 जो है ये इनवैलिड है, फिर स्विच ए वन जो है वो इनवैलिड होगी, फ्लोट वैल्यू कभी नहीं आएगी, स्विच के साथ डबल स्ट्रिंग भी नहीं आएगा, एक कैरेक्टर कॉन्स्टेंट या इंटीजर कॉन्स्टेंट आ सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है वो नहीं आएगी। फिर तो हो गया वैलिड स्विच एक्सप्रेशन, अब वैलिड केस कॉन्स्टेंट क्या होंगे, केस वन, केस वन प्लस टू, केस सिंगल कोर्स, केस सिंगल कोर लेस देन वाई, ये भी वैलिड केस कांस्टेंट है, यानी केस के साथ आप क्या लगा सकते हो। इनवैलिड केस कांस्टेंट क्या है, स्ट्रिंग 1.2, वेरिएबल एक्स, एक्स प्लस वाई, 1, 2, 3, इस तरह से आप नहीं लिख सकते केस के अंदर। तो एक्सप्रेशन में वैलिड क्या है और केस में वैलिड क्या है ये आपके सामने यूज़ करते हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। देन फ्लो चार्ट ऑफ स्विच केस में क्या होगा, देखें आप, स्विच के बाद आपने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा, अगर केस वन ट्रू है तो स्टेटमेंट और ब्रेक और सीधा स्टेटमेंट आफ्टर स्विच, केस वन फॉल्स हुआ तो केस टू ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट ब्रेक, फिर स्टेटमेंट भी आफ्टर स्विच, केस टू फॉल्स हो गया तो फॉल्स वाले पार्ट में जाए, केस थ्री में जाएगा, केस थ्री अगर ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट ब्रेक एंड स्टेटमेंट आफ्टर स्विच, केस थ्री अगर फॉल्स हो गया तो केस एन पे जाएगा, एन का मतलब मल्टीपल केसेस लगा रखें, केस एन पे गया, केस एन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट ब्रेक एंड हो जाएगा स्विच, स्टेटमेंट आफ्टर स्विच, देन अगर केस एन भी फॉल्स हो गया तो डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट के बाद डिफॉल्ट स्टेटमेंट, और उसके बाद सीधा स्टेटमेंट आफ्टर स्विच। तो ये बिल्कुल इफ एल्स लेटर की तरह है, पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि स्विच और केस के साथ कैसे उसको यूज़ करना है, कि स्विच किस एक्सप्रेशन में क्या आएगा और केस के साथ, केस कॉन्स्टेंट के साथ आपको क्या लिखना है। ओके, एक और सिंपल एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखें आप, हैश इन्वेस्टिगेट डॉट एच इंट ए, प्रिंट एफ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 5, स्कैन एफ दिया आपने, स्विच ए लिखा है, अगर स्विच ए लिखा है तो ए जो एक वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो केस वन हुआ तो प्रिंट एफ होना चाहिए यू चूज़ वन ब्रेक, केस टू हुआ तो प्रिंट एफ होना चाहिए यू चूज़ टू ब्रेक, केस थ्री हुआ तो प्रिंट एफ यू चूज़ थ्री ब्रेक, केस फोर हुआ तो प्रिंट एफ यू चूज़ फोर ब्रेक, देन केस फाइव हुआ तो प्रिंट एफ यू चूज़ फाइव ब्रेक। अगर इनमें कोई भी केस ब्रेक, कोई भी केस अगर आपका मैच नहीं होता है तो आपका लास्ट में अगर डिफॉल्ट प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस एंटर नंबर बिटवीन 1 to 5 एंड ब्रेक, तो डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैंने लगाया है, आपने लगाया है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और अगर कोई भी केस मैच होता है तो उस केस के साथ जो स्टेटमेंट लिखे हैं कोलन के बाद वो रन होंगे, अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो उसके नीचे जितने भी केसेस हैं उन सब के केसेस के स्टेटमेंट रन हो जाएंगे, कब तक, जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलता है, राइट। तो यहाँ देखिए इनपुट क्या है, मैसेज आया प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 5, मैंने दिया नंबर इनपुट 3, तो मैसेज आया यू एंटर 3, उसके बाद कुछ नहीं आया बिकॉज उस यू एंटर 3 के बाद ब्रेक लगा हुआ है, वो स्विच से बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये स्विच और केस का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, और स्विच और केस जो है वो बेसिकली मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में काम आता है, जैसे आपने कभी एटीएम पे कभी स्क्रैच किया होगा, सब कई लोगों सब लोगों ने कर दिए होंगे, तो जैसे एटीएम स्क्रैच करते हैं आपका मेनू आता है, राइट। जैसे आप एक मेनू आया, उसमें आपने किसी एक ऑप्शन को चूज़ किया, फिर उसके अंदर और एक मेनू आया, फिर ऑप्शन चूज़ किया, फिर एक और मेनू आया, तो इस तरह से जब ये चलता जाता है तो इस तरह की डिस्प्ले कराने के लिए, इस तरह का डिस्प्ले और इनपुट के लिए स्विच और केस जैसा ही कोई मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं जिससे हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग, धन्यवाद।